सोनम गुप्ता बेवफा है, सोनम गुप्ता बेवफा है, सोनम गुप्ता बेवफा है, सोनम गुप्ता बेवफा है। तंग आ गई हूं मैं इन रोज रोज के तानों से। इस समाज ने मुझे एक मौका भी ना दिया अपनी बात रखने का, अपनी कहानी कहने का। बस अगले ही पल मुझे बेवफा की करीना कपूर साबित कर दिया, और आज पूरा हिंदुस्तान एक ही सुर में गा रहा है। मेरा दिल जिस दिल के फिदा है, मेरा दिल जिस दिल के फिदा। एक बेवफा है, हाँ मोहब्बत की ये सजा है, हाँ मोहब्बत की ये सजा। अब बस और नहीं, मैं सोनम गुप्ता आज पूरे हिंदुस्तान के सामने अपनी सच्चाई, अपनी कहानी बताने जा रही हूँ। फिर इस हिंदुस्तान के ऊपर है कि वो मुझे बेवफा की करीना कपूर समझे या हम दिल दे चुके सनम की ऐश्वर्या। ये बात सन 1990 की है। कुमार शानू का दौर चल रहा था और मोहल्ले का हर लौंडा खुद को कुमार शानू समझ रहा था। हर लड़की को देखकर बस एक ही गाना गाता रहता था। इसी दौरान मेरी मुलाकात अमित से हुई। देखने में बिल्कुल अक्षय कुमार। मैं बताना भूल गई थी कि अक्षय कुमार ना मेरा फेवरेट हीरो है। मुझे आज भी वो दिन याद है। शाम के तकरीबन 4:15 बज रहे होंगे और मैं पड़ोस वाली जलेबी की दुकान में खड़ी अपनी 250 ग्राम जलेबियों का इंतजार कर रही थी कि तभी मेरी नजर अमित पर पड़ी। जैसे मैंने बताया, देखने में एकदम अक्षय कुमार जैसा था। उसे देखते ही मेरे दिल ने गाना शुरू कर दिया। अमित ने शायद मेरे दिल की आवाज सुन ली और उसने बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले मेरे लिफाफे में से 100 ग्राम जलेबी खा ली। मैं समझ चुकी थी कि भाई आग दोनों तरफ बराबर बराबर लगी है। वैसे मैं बता दूं कि मैं देखने में एकदम रवीना टंडन जैसी दिखती हूँ। खैर, धीरे धीरे हमारा प्यार परवान चढ़ने लगा। कभी जलेबी की दुकान में, कभी दूध वाले के यहाँ, कभी पड़ोस वाली भाभी के घर और कभी साइकिल पर। हम दोनों रोज शाम को मिलते और एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बस एक ही गाना गुनगुनाते। जहर है के प्यार है तेरा चुम्मा, कैसा ये खुमार है तेरा चुम्मा, जहर है के प्यार है तेरा।
समय गुजरा, वक्त बजा, चेतक के पहिए लगाकर जोर का भागा और समय आ गया हम दोनों के बिछड़ने का। हर दुख भरी प्रेम कहानी की तरह हमारे घर वाले भी हमसे उतनी ही नफरत करते थे जितनी कि आज आप लोग मुझसे, मतलब सोनम गुप्ता से। खैर, घर वालों को हमने 5-6 बार आशिकी 2 दिखाकर मना लिया और आखिर दोनों के घर वाले हमारी शादी के लिए मान गए। इस खुशी में डूबकर हम दोनों ने बहुत सारे डुएट गाने गाए, जैसे जाने कौन कौन से, पर शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मुझे फर्दर नौकरी के लिए दिल्ली आना पड़ा। हम दोनों मेरे जाने से पहले एक बार मिले उसी जलेबी वाली दुकान पर। उसने मेरा 250 का फुल टॉक टाइम का रिचार्ज कराया और फिर मुझे अलविदा कह दिया। मैं दिल्ली आ गई और यहाँ हजार अमित जैसे लौंडों को देख कर भी मेरा दिल नहीं मचला, क्योंकि मैं अमित से सच्चा प्यार करती थी। बात तब बिगड़ी जब दिल्ली में इलेक्शंस आए। मैंने अमित से तकरीबन 500 बार पूछा कि किसको वोट दूं और उसने हर बार कहा कि जिसको दिल करे दे दो। मैंने भी अपने दिल की सुनी और माननीय अरविंद केजरीवाल जी को अपना कीमती वोट दे दिया और वो जीत भी गए। ये बात मैंने तुरंत अमित को बताई व्हाट्सएप पर, मगर अमित का उधर से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि उल्टा उसने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया। मैंने उस तक पहुंचने की बहुत कोशिश की मगर उसका कोई जवाब नहीं आया। और फिर एक दिन जब मैंने दुकानदार को छोटी गोल्ड फ्लैग देने के लिए 20 का नोट दिया और फिर जो मेरे हाथ आया उसके गवाह आप सब लोग हैं। हाँ, वही 10 का नोट जिस पर अमित ने अपनी सारी भावनाएं व्यक्त कर दी, जिस पर लिखा था सोनम गुप्ता बेवफा है। मैं उस वक्त तो नहीं समझ पाई कि आखिर अमित ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, पर आज मुझे इसका पछतावा जरूर है। मैंने अमित से माफी मांगने की कोशिश भी की और नोटबंदी के समय सबसे पहले फेसबुक पर अपनी खुशी व्यक्त की, पर शायद मेरा दिया घाव ज्यादा गहरा था। अमित ने मुझे इस गलती की सजा अपनी जिंदगी से निकाल कर तो दे ही दी, पर बाजार में नए नोट आते ही उसने मुझे मेरी गलती का एहसास वापस दिला दिया। 2000 के नोट में दोबारा लिखकर कि सोनम गुप्ता बेवफा है। बस यही थी मेरी कहानी। अब आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग मुझे बेवफा समझें या मुझे माफ कर दें। माना मेरा गुनाह माफी के काबिल नहीं है, पर हो सके तो बस अमित को समझा देना कि उसकी सोनम गुप्ता बेवफा नहीं है, नहीं है वो बेवफा। आपकी कुमारी सोनम गुप्ता, अमित कुमारी सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरा दिल जिस दिल के फिदा है, मेरा दिल जिस दिल के फिदा। बेवफा एक बेवफा है, हाँ मोहब्बत
की ये सजा है, हाँ मोहब्बत की ये सजा है। तू बेवफा, तू बेवफा।